है फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हम जोड़ीधार और यहाँ से हम जा रहे हैं अभी बूढ़ी नागिनी के मंदिर जो यहाँ से 5 ही किलोमीटर की दूरी पर है और पैदल रास्ता है, तो आइए आपको ले चलते हैं वहाँ पे। हमने अभी कम से कम आधे किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। चारों तरफ जंगल ही जंगल है और हम जा रहे हैं सरयोसल झील जो कि यहाँ से अभी 4-4.5 किलोमीटर की दूरी पर है। काफ़ी ये देख सकते हैं आप, इस तरह का व्यू है, जंगल ही जंगल है चारों तरफ और कुछ नहीं है। वाओ, हाय। गर्मी में सर्दी का एहसास, अगर जैसे गर्मी का मौसम है तो मतलब इन जगहों में आके आपको एक प्रकार से अलग फीलिंग होगी, एक सर्दी जैसा माहौल जहाँ पे ठंडी बिल्कुल ठंडी हवा। अभी धूप तक रही है, अगर धूप अस्त हो जाएगी तो ठंड एकदम शुरू हो जाएगी। इसलिए गर्मियों में ये जगह है घूमने के लिए बहुत ही बेस्ट है। शांति मिलेगी यहाँ पे आपको। हाय, कम से कम 4 ही किलोमीटर का सफर हमने तय कर लिया है, रास्ता है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा और पता नहीं कितना दूर होगा अभी यहाँ से। हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं हम सरयोसल पहुंचने वाले हैं, बस यहां से 5-1 मिनट का रास्ता है। आप मेरे ठीक बैक में देख सकते हैं, यहां से अभी आगे की तरफ जाना है हमें, यहां से हमें 5-10 मिनट लगेंगे आगे वहां तक पहुंचने में। फ्रेंड्स, काफ़ी लंबे सफ़र के बाद, मतलब कि 5-1 किलोमीटर का सफ़र करने के बाद, एक तो थकान बहुत महसूस कर रहा हूँ अभी और इतने लंबे सफ़र के बाद जब हम यहाँ पहुँचे तो यहाँ का नज़ारा ही कुछ देखने लायक है। तो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वो झील जो कि यहाँ पे है, तो उसका एक नज़ारा दिखाऊंगा मैं आपको यहाँ से। आप देख सकते हैं बहुत ही पेशेंट के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, अभी देख सकते हैं पीछे कितना बढ़िया नज़ारा है यहाँ पे।
हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं श्रीवत्सर झील है ये, और काफ़ी बढ़िया नज़ारा है यहाँ। काफ़ी ठंडा मौसम है, ठंड लग रही है इस टाइम यहाँ पे। अभी शाम के 5 बज चुके हैं और काफ़ी ठंडा मौसम हो चुका है। और आप देखते होंगे कि बाजू के बाल भी खड़े हो चुके हैं, इतनी ठंड हो चुकी है इस टाइम यहाँ पे। और जब दिन में हम चले थे बरे से, हम तकरीबन वहाँ से 4-1 बजे चले थे, और यहाँ पहुँचने में हमें 1.5 घंटा लग गया, और काफ़ी मज़ा आया रास्ते में। ये आप देख सकते हैं पीछे का व्यू, इतना बढ़िया व्यू है।